दोस्तों आज हम बिना जू के ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं और बेलतला से हम शुरू कर। हेलो दोस्तों, फिर से निकल पड़े हम नए जर्नी पर। पैकिंग हो चुका है, सुबह का 7 बज रहा है अभी, फ्लाइट है 8 बजे का और सब आए हुए हैं घर पे। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए और उसके बाद करेंगे बड़ा जर्नी। शुरू होते ही हो गया है कांड। हमारा फ्लाइट था 10 बजे का, विच दे रीशेड्यूल्ड इट एंड आफ्टर दैट दे डिड नॉट इन्फॉर्म अस। सो आई हैव फॉट, फाइनली दे हैव एग्रीड टू पुट मी ऑन अ डिफरेंट फ्लाइट। जर्नी खतरनाक हो चुका है ऑलरेडी, होपफुली आगे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आपको मैंने पहले बताया कि हमारा बहुत बड़ा जर्नी है इस साल का, तो लेट्स सी, होप दिस वर्क्स। आप लोगों ने सुना होगा, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। तो फ्लाइट तो डिले हो गया, चेंज हो गया, पर इसी बहाने हमें वसुंधरा जो स्वाति की फ्रेंड है उसको मिलने का मौका मिला। शी इज़ फ्लाइंग टू बैंगलोर सेम थ्रू द सेम एयरपोर्ट। तो हमारे साथ वसुंधरा है। वसुंधरा हाय। फ्लाइट चेंज हुआ तो अच्छा हो गया, आपसे भी मिलने का मौका मिल गया। ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ओ शिट, हमने बोला था कि अगर कुछ होके डिले हो जाए तो अच्छा है, हम मिल लेंगे। दिस इज कॉल्ड यारा महीने। हां, वसुंधरा विश यू ऑल द बेस्ट आपके जर्नी के लिए एंड आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। हम फिर मिलेंगे। Welcome to city. City of joy. Finally, Kolkata airport. Heading to Delhi. Guwahati हम छोड़ चुके हैं और transit and after that we board the flight for Delhi. उसके बाद आपको हम ले चलते हैं हमारे 2 घंटे के टूर पे। हम आपको घुमाएंगे कोलकाता एयरपोर्ट। कोलकाता एयरपोर्ट में हम बस होल्ड करने वाले हैं और अभी हम लंच करेंगे, उसके बाद हम ले जाएंगे आपको दिल्ली। दिल्ली में थोड़ा सा और प्रोग्राम है एंड देन आफ्टर दैट हम जो बड़ा जर्नी का बात कर रहे थे वो लेंगे। होपफुली उसमें कोई स्ट्रगल ना करना पड़े, बट लेट्स सी, लेट्स गो विद द फ्लो। है कैलकटा में, और अगर आप कैलकटा आए और आपने बिरयानी नहीं खाया तो आपने क्या ही खाया। ऑब्वियसली हैदराबादी बिरयानी बहुत ही फेमस है, लेकिन कैलकटा में भी बिरयानी बहुत अच्छा मिलता है, स्पेशली आलू वाला बिरयानी। बिरयानी में आलू होता है, वेरी डिलीशियस। और मुझे पुराने कॉलेज डेज का याद आ गया, तो मैंने बोला स्वाति को चलो हम बिरयानी खाते हैं, उसके बाद तय करते हैं जर्नी दिल्ली तक। तो लेट्स हैव सम बिरयानी। Finally boarding for Delhi. Delhi, see you soon.
गाइस फाइनली वी हैव रीच दिल्ली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हेलो अगेन फ्रॉम दिल्ली। हम कल रात को थोड़ा सा ऑक्यूपाई हो गए थे तो हमने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए बिकॉज वी वर गेटिंग रेडी विद द इंटरनेशनल ट्रैवल, पेपर वर्क रेडी कर रहे थे एंड नाउ वी आर सेट वेल और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद हम जाएंगे मेरे फ्रेंड रोहित के घर, मिलेंगे उनके मॉम, नानी से और भाभी से एंड आफ्टर दैट लेट्स सी, विल शो यू अ लिटिल बिट ऑफ दिल्ली। तो हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं रोहित के घर और उसके बाद जैसे मैंने बताया विल एक्सप्लोर लिटिल बिट ऑफ दिल्ली। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है रोहित के घर पर, इसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर हम जाएंगे एक या दो स्पॉट। रोहित के घर आपको मिलाते हैं रोहित के बुआ जी से, दादी, आंटी, ऋतु, ऋतु को तो हम जानते हैं। हम आ पहुंचे हैं रेड फोर्ट विच इज मेड ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर और इट वाज बिल्ड इन 1638 और बहुत ही ब्यूटीफुल सा फोर्ट है। यू मस्ट हैव सीन इन टीवी और हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं। राइट बिहाइंड यू कैन सी द रेड फोर्ट जिसको लाल किला भी बोला जाता है। It was built during the rule of Shah Jahan और Mughal Emperor का ये main residence हुआ करता था during 1638। शाहजहां ने ये किला तब बनाया था जब उन्होंने आगरा से दिल्ली अपना कैपिटल शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। तो देखते रहिए, हम और भी जगह ले जाने वाले हैं आपको, बट दिस इज वन ऑफ द मेन स्पॉट ऑफ दिल्ली। हम आ पहुंचे हैं बहुत ही अच्छी जगह, ये है परम योद्धा स्थल। ये जो जगह है इसमें जिसको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है उनके लिए ये जगह बनाया गया है और इनमें उनके स्टैचूज हैं और उनके बारे में लिखा गया है। तो जस्ट हमारे पीछे एक स्टैचू है, वो है विक्रम बत्रा का, श्री विक्रम बत्रा का। अगर विक्रम बत्रा अगर आप देखें, अगर इफ़ यू वॉच हिंदी मूवी आपको पता होगा अभी अभी नया मूवी आया हुआ है शेरशाह, तो ही इज द एक्चुअल सोल्जर जिनको परवीन चक्र से सम्मानित किया गया था एंड स्टैचू इज राइट बिहाइंड। और ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है, उनके सारे स्टैचूज हैं यहाँ एंड दिस इज इफ यू सी द होल पार्क, उनके सारे स्टैचूज बने हुए हैं ऑल अराउंड and it's a lovely, lovely place. और हम आ पहुँचे हैं इंडिया गेट विच इज़ ओरिजिनली कॉल्ड एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। और ये जब बना था ये बना हुआ था इन डेडिकेटेड एंड डेडिकेटेड टू द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो
शहीद हुए थे वॉर में, विच वॉज फॉट बिटवीन 1914 एंड 1919। और इंडिया गेट के जस्ट बगल में ही है नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि जस्ट रिसेंटली बना हुआ है, 2019 फरवरी को इनोग्रेट हुआ था। और ये जो है ये बना हुआ है, मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड टू ऑनर एंड रिमेंबर सोल्जर्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री हु फॉट इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। Thank you and salute to our soldiers. चुके हैं एंड वी आर रेस्टिंग फॉर सम टाइम, क्योंकि कल सुबह बहुत बड़ा जर्नी है, तो हम रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा है पैकिंग, और उसके बाद हम ले जाएंगे अगले व्लॉग पर, आपको दिखाएंगे हमारा नया बड़ा जर्नी। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लविंग।